हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा क्वेश्चंस। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अंजू। तो दोस्तों, ये लिया मैंने एक कप उड़द की दाल और उसके अंदर मैंने पानी को मिला दिया। फिर मैं इसको अच्छे से रगड़ के धो लूँगी और रात भर के लिए इसको भिगो के हमें रख देना है। फिर अगले दिन मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया और एक स्मूथ सा बैटर बना के रेडी कर लिया। तो आज कोई DIY नहीं करेंगे, आज करेंगे कुकिंग। तो जिसके लिए मैंने सोचा कि ना मीठे से शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने इसको एक कटोरी में निकाला और उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलाया। फिर मैं इसमें डालूंगी मंगरेला, जिसे हम काला जीरा भी बोलते हैं, और आप चाहो तो इसके अंदर सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है और 10-15 मिनट तक हम इसको फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई के साथ मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी मिठाई से शुरुआत करूँ। एक तो मीठा, ऊपर से माँ की याद, तो इससे अच्छी कुकिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। तो देखिए, फिर मैंने इसको अच्छे से 10-15 मिनट तक फेंटा और फिर मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख दूंगी। फिर मैंने एक पैन को गैस पे रखा और गर्म होने के लिए रख दिया। फिर ये गर्म हो गई तो इसके अंदर मैंने ऑयल को डाल दिया, और हम इसमें सनफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या राइस ऑयल का भी। फिर तेल मेरी गर्म हो गई तो देखिए, इस तरह से मैं इसको छोटे छोटे बड़े के साइज में तल लूँगी। तो फ्रेंड्स, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी माँ इस तरह की मिठाई बनाती थी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। बदकिस्मती से माँ हमारे बीच रही नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तभी माँ गुजर गई और वो मिठाई हमें कभी खाने को दोबारा नहीं मिली। तो मैं जब भी इस मिठाई को ट्राई करती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद माँ इसी तरह बनाती होंगी। और हम तो बहुत छोटे थे तो हमें ये भी नहीं पता चला कि माँ कैसे बनाती थी। तो मैंने सोचा कि ना इसी से शुरुआत की जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको पलट देना है और ब्राउन होने तक इसको तल लेना है। फिर देखिए, ये ब्राउन होने तक मैंने इसको तल लिया। तो फ्रेंड्स, आप इस मिठाई को ट्राई ज़रूर करना और अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बोलना। फिर इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। फिर क्या करना है, एक कढ़ाई को गैस पर रखना है और फिर मैंने इसके अंदर करीब आधा लीटर पानी डाल दिया और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी चीनी चाशनी के लिए। तो मैंने क्या किया, एक कप चीनी इसके अंदर डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप और भी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने एक कप का यूज़ किया। फिर देखिए, मैं इसको बॉईल होने के लिए गैस पे रख दिया और ये जब आधा हो जाएगा पानी तभी मैं इसको ऑफ करूँगी। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी नहीं चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर 2 इलायची को पीस के डाल दिया ताकि अच्छी सी एक फ्लेवर आए। फिर देखिए, ये मेरी बनके रेडी हो गई है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया। फिर 3-4 मिनट के लिए मैंने यूं ही छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर बड़े को डाल दूंगी ताकि हमारी बड़े जो है वो टूट ना जाए। और इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है ताकि चीनी की चाशनी में फूल जाए। तो धीरे धीरे से इसको हमें पलट देना है और 10 मिनट के लिए मैं इसको ढककर रख दूंगी। तो ये मैंने इस तरह से इसको मिला दिया और ढककर 10 मिनट के लिए रख दिया। तो 10 मिनट के बाद देखिए, मेरे बड़े बनके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको गरम गरम भी खा सकते हैं और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखकर भी खा सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना
ताकि आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड।